प्यारे विद्यार्थियों, आज की नई क्लास की शुरुआत हम करते हैं। आज का अपना नया टॉपिक जो आपके सामने कुछ ही पलों में प्रस्तुत होने वाला है। क्लास शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि और आपको यही शुभकामना देता हूँ कि आप घर पर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को अनवरत रूप से लगातार जारी रखें। इसी आशा के साथ हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है सच्चे सूरमा। कविता है, ये कविता राष्ट्रवादी कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की है, जो कि उनका एक महाकाव्य है रश्मि रथी। इसके तीसरे भाग में से लिया गया है। रश्मि रथी के अंदर जो पात्र लिए हैं, जिनको सच्चा सूरमा कहा गया है, वो पात्र जो है महाभारत काल के कौरव जो पांडव है उनके बीच में जो द्वंद है, उनके बीच में जो संघर्ष है, उस संघर्ष की कहानी को, उस संघर्ष की व्यथा को प्रकट किया है और बताया गया है कि वास्तव में सच्चे सूरमा वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपना जीवन सहर्ष को व्यतीत करते हैं, बिना रुके हुए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, उनको वास्तव में सच्चे सूरमा कहा गया है। आपको पता है कि कौरव और पांडव के बीच में जो महाभारत का युद्ध होता है, तो पांडवों को वनवास दे दिया जाता है और उसी वनवास के दौरान उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटित होती है, निर्दोष होने के बावजूद भी काल उनके ऊपर ऐसा टूट पड़ता है कि उनको खुद को ही समझ में नहीं आता कि ऐसा हमारे साथ घटित हो गया। उन दृश्यों को, उन विचारों को मद्देनजर रखते हुए हमारे कवि रामधारी सिंह दिनकर जो है उनको सच्चे सूरमाओं की संज्ञा देते हुए उनके भावों को, उनको प्रेरित करने के लिए एक कविता लिखी है जिसका नाम है सच्चे सूरमा। इसमें बतलाया गया है कि सच्चे सूरमा जो है, चाहे कैसी ही विपत्ति आ जाए, चाहे कैसी भी डगर हो, उस डगर पर ना तो रुकते हैं ना घबराते हैं, क्योंकि तो इतने वर्षों का जो वनवास है पांडवों का, तो उसमें आपको पता है कि उनके उन वनवास के दौरान क्या क्या समस्याएं आती है और वास्तव में उनको सच्चे सूरमा बताया है। ये जो कविता है आज की भावी पीढ़ी को भी प्रेरणा देती है और जागृत करती है कि हमें अपने जीवन के पथ पर कभी भी रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। हर एक दिन
एक नई शुरुआत लेकर के आता है, एक नई उमंग लेकर के आता है, और जीवन के अंदर जो कठिन परिस्थितियां हैं वो धीमे धीमे समाप्त होकर के एक आनंद की उत्पत्ति, एक खुशी की लहर वापस जागृत होती है, वापस प्रस्फुटित होती है, प्रकट होती है। ये कविता हमें यह भी प्रेरणा देती है कि मनुष्य का जो जीवन है वो, उसकी जो डगर है वो बहुत कठिन है, उसके पग पग पर विचलित कर देने वाली घटनाएं या विचलित कर देने वाले ऐसे तत्व जो आते रहेंगे, तो हमें उसे घबराना नहीं है बल्कि उसका डट करके सामना करना है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए दिनकर जी ने एक कविता लिखी और बतलाया कि क्या कहा, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, मतलब इसका यह है कि जब विपत्तियां आती है, समस्याएं आती है, दुख आते हैं, तो हमेशा जो कायर व्यक्ति होता है वो ही उनसे घबराता है। जो सूरवीर है, जो महान है, जिसके विचार प्रगाढ़ है, वो कभी भी इन विपत्तियों से घबराता नहीं है बल्कि उनका डट करके सामना करता है। सच्चे सूरमा जो होते हैं वो विपत्तियों में भी धीरज को नहीं खोते। कायर जो व्यक्ति होता है वो आपको पता है कि जैसी कोई परेशानी आई और अपना जो पेशेंस है, जो धीरज है, उसको खो देता है, जिसके कारण वो विपत्ति उसको एक बड़ा सा पहाड़ के रूप में दिखाई देता है। कभी यहाँ पर नए ऊर्जावान व्यक्तियों को या आने वाली पीढ़ी को यही प्रेरणा देती है कि सच्चे सूरमा वो है जो हमेशा जागृत अवस्था में रहकर के विपत्तियों का सामना करते हैं और अपने धीरज को बनाए रखते हैं, खोते नहीं। उसी के बारे में यहाँ पर कवि ने बतलाया और पांडव को भी इंगित करते हुए उनको सच्चे सूरमा बतलाया है। अब अपन चलते हैं बोध की तरफ, जिसमें आपको इस कविता और हम कवि परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आप बोध पर एक नजर, सच्चे सूरमा आनंद की कविता है, इसके लेखक है रामधारीशय दिनकर। रामधारीशय दिनकर एक राष्ट्रवादी कवि है क्योंकि इन्होंने अपने समय के अंदर राष्ट्र से संबंधित जो बलिदान पूर्वक जो शौर्य से भरी हुई कविताएं, उनसे संबंधित रचनाएं खूब लिखी, इसलिए इनको राष्ट्रवादी कवि कहा है। जिसमें एक बापू कविता भी है जो इन्होंने लिखी। इनका जन्म 1908 में बिहार में हुआ था और मृत्यु कुरुक्षेत्र, संस्कृति के चार अध्याय, रेणुका, उनका और बापू। वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन आपको तीन ध्यान में रखनी है। प्रस्तुत जो काव्यांश है अपना आज का, जो सच्चे सूरमा है, वो रामधारीशय दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी खंड के तीसरे भाग से ली गई। कौन से भाग से ली गई है? तीसरे भाग से ली गई। इसके अंदर कवि ने पांडवों, जो मैंने आपको अभी बताया था उस समय पहले ही, कि महाभारत के काल में और पांडव के बीच में जो युद्ध होता है और पांडव जो होते हैं वो निर्दोष होते हुए भी
उन पांडवों को भी क्या बताया है यहाँ पर, सच्चा सूरवीर बताया। आज के वर्तमान युग में हम देखते हैं कि सच्चा सूरवीर का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी एक समान रहे, जिसको हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ। मैंने आपको सब सूक्ति के अंदर बताया था स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है जो सभी अवस्थाओं में, सभी परिस्थितियों में समान रहे, विचलित ना हो, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, उन सभी परिस्थितियों में, लाभ हानि सब में एक समान रहे, वही वास्तव में आज के युग में सच्चा सूरवीर है। यहाँ सूरवीर का मतलब ये नहीं कि बहुत ताकतवर हो गया वो, नहीं। यहाँ इसका तात्पर्य है कि जो विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रखे, अपने धीरज को नहीं खोए और अपने एक लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वही वास्तव में क्या है, सच्चा सूरवीर। इसके बहुत सारे कारण कवि ने यहां पर बतलाए कि, और अच्छे अच्छे उदाहरण भी जो आपकी किताब के अंदर है, और जब आप इस कविता को पढ़ोगे जिसमें बतलाया गया है, मेहंदी का उदाहरण दिया है कि मेहंदी भी जो है वो एक लगती एक पत्तियों के समान है, जब वो उसको पीसा जाता है और उसके बाद उसके अंदर एक रंग स्पष्ट दिखलाई देता है। दूसरा यह भी बताया है कवि ने कि वृत्ति का बीज उजियाली है। वृत्ति का बीज क्या है, उजियाली का मतलब है कि दीपक जब जलता है तभी प्रकाश होता है, जब दीपक को हम नहीं जलाएंगे तो उसमें प्रकाश की स्थिति को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। जिस प्रकार से जो गन्ना है उसको मेरुपाट के अंदर डाल दिया जाता है, तभी उसमें से रस की फुहार जो है, रस की जो धार है वो हमें दिखलाई देती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को हमेशा कर्मशील रखे, प्रयत्नशील रखे, कर्तव्य की ओर अग्रसर रहे, वही वास्तव में क्या है, सच्चा सूरमा है। कौरव और पांडवों के बीच में आपने देखा, आपने सुना है, आपने पढ़ा भी है, पूर्व में भी मैंने आपको एक बात बताया था कि पांडव जो है सब कुछ होने के बावजूद भी इतना बड़ा हस्तिनापुर साम्राज्य होने के बावजूद भी वो कुछ ही पलों में ऐसी काल का ऐसा ग्रास उनके ऊपर गिरता है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है, और सारा का सारा साम्राज्य समाप्त होने के बाद वो जंगलों में घूमते फिरते कई वर्षों। तो उससे हमें यह सीख मिलती है कि उन विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने पथ पर डिगमगाते रहे, घबराते रहे, धीरज को नहीं खोते, हमेशा कर्मशील बने रहते हैं, हमेशा प्रकृति के पथ पर अग्रसर बने रहते हैं, और उसी पथ पर अग्रसर होते हुए वे हमेशा अपनी सच्चाई, अपनी लगन, अपनी कर्तव्य निष्ठा, इन सभी तत्वों को अपने साथ लेकर के चलते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वापस उनका साम्राज्य वो भी है। तो वास्तव में वो भी व्यक्ति जो है
अच्छा सोमवार है, विपरीत पथ जो है करके अपने आप को बनाए रखे, अपने आप को स्थिर रख सके, स्थिर प्रज्ञ रख सके, प्रयत्नशील रख सके, कर्म क्षेत्र में अग्रणी रहे, वही वास्तव में समझा सोमवार है। यही इस कविता का मूल सार है, जब आप पढ़ोगे अब अपन इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पूर्व में भी मैंने आपको एक बार पढ़वाया हुआ है, कोई कविता पढ़ी भी है, लेकिन अब इसका जो क्वेश्चन रह गया था अपना वो कर लेते हैं। तो आप क्वेश्चन ये है, पाठ्यक्रम के आधार पर सच्चे सूरमा की विशेषताएं बतलाई, सच्चे सूरमा की विशेषताएं बतलाई, अथवा करके एक क्वेश्चन और लिख लेंगे आप, रामधारी शेर दिनकर, रामधारी शेर दिनकर द्वारा कृत रश्मि रथी के संकलित अंश के आधार पर, संकलित अंश के आधार पर सच्चे सूरवीर की, सच्चे सूरवीर की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, को स्पष्ट कीजिए। इसमें लिखें आप लिख रहे हैं आपको, नोट करें, सच्चे सूरमा काव्यांश महाकवि रामधारी शेर दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी खंड काव्य से लिया गया है। इस खंड काव्य में रश्मि रथी महाभारत के यशस्वी पात्र कर्ण को कहा गया है, रश्मि रथी जो है वो उसको कहा गया है, महाभारत का एक पात्र है कर्ण, उसको बताया है, उसको क्या कहा है, रश्मि रथी। उसको क्या बताया है, रश्मि रथी बताया है। रश्मि रथी का अर्थ है जिसका रथ पुण्य का हो, जिसका रथ पुण्य का हो। कर्ण का चरित्र भी अत्यंत पूर्ण में है, प्रांजल है, वह महाभारत का अद्भुत एवं महान योद्धा, वह जन्म से ही प्रकृति प्रदत्त कांचन कवच और कुंडल से सुशोभित था, पांडव भी उससे भय खाते थे, मतलब डरते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच है और कुंडल है तब तक उसे पराजित करना असंभव है, उसके समान मित्र धर्म का निर्वाह करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति इतिहास में खोजने पर भी नहीं मिलता। कर्ण अद्भुत वीर, दानी, उदार हृदय, सॉरी उदार हृदय, भावुक और सच्चा सूरवीर था। ये लाइन दोबारा बोल देता हूं एक बार, कर्ण अद्भुत वीर, दानी,
उदार हृदय भावुक और सच्चा सूरवीर था। भगवान श्री कृष्ण ने रश्मियति के अंत में उसे गुरु द्रोण और विश्व पितामह के समान ही आदर का पात्र कहा है, आदर का पात्र कहा है। प्रस्तुत अंश में कवि ने पांडवों को सच्चा सूरवीर कहा है, क्योंकि वे लक्षा ग्रह की आग को सहते हैं। वे लक्षा ग्रह की आग को सहते हैं, विपत्तियों में विचलित नहीं होते और धैर्यपूर्वक वर्षों में धैर्यपूर्वक वर्षों तक वन में रहते रहते वर्षा अंदर आतप को सहन करते हैं। वे निरंतर अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते हैं और इसी के आधार पर सच्चे सूरमा की निम्नलिखित विशेषताएं कवि ने बतलाई है। इसलिए यहां तक अब आप फर्स्ट पॉइंट आइए, विपत्तियों का सहज रूप से सामना, विपत्तियों का सहज रूप से सामना। इसमें लिखें कवि यहां पर कहता है कि वीर पुरुष विपत्तियों में विचलित नहीं होते, वे संकट के समय भी स्थिर और अड़िग रहते हैं। वे अपने मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं को उछलते हुए कांटों में भी राह बनाते आगे बढ़ जाते हैं। विपत्ति आने पर केवल कायर ही भयभीत होते हैं, सच्चे सूरमा नहीं। इसलिए कवि ने क्या कहा, कहा है सच है विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते कांटों में रहा। यही कह रहा है सच्चा सूरमा वह है जो विपत्ति में भी अपने आप को स्थायी अधिक रहती है। विपत्तियां सच्चे सूरमाओं को विचलित नहीं करती है, उनकी राह में वो भागा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन समस्याओं का डट करके मुकाबला करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी कांटों की राहों में भी हमेशा चलते रहते हैं। यही कवि ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड लिखे आप उसमें सहनशीलता। सहनशीलता आपको पता ही है, आपको पूर्व में भी बताया था कि मानवों का इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन फिर भी उस समय का और उस परिस्थिति का इंतजार करते हैं और धीरे धीरे वापस उनका साम्राज्य उन्हें मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता है। समय के फेर को देखिए, एक समय ऐसा था जब हस्तिनापुर, जिसमें पांडु का साम्राज्य बहुत विशाल चारों तरफ खुशियां थी, लेकिन काल के ग्रास ने
ऐसा उनके ऊपर संकट आया कि सारा का सारा साम्राज्य है वो छीन हो गया, समाप्त हो गया। तब जब विपत्ति या ऐसी समस्याएं आती है तो वो परीक्षाएं देती है। पांडवों की भी परीक्षा हुई, कई वर्षों तक वन में रहे, घबराए नहीं, समय का इंतजार किया, सहनशीलता को नहीं किया, उसको अपनाए रखा और उसको अपनाते हुए वे एक समय वापस अपने साम्राज्य को पा लेते हैं। यही एक विशेषता कवि ने यहाँ पर बताई है। और आज की जो पीढ़ी है या आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि चाहे कैसी ही परिस्थितियाँ हो, कैसा ही समय हो, हमें अपने उस पथ पर कभी रुकना नहीं है, कभी ठहरना नहीं है, हमेशा उस पथ पर चलते रहना है, कर्म क्षेत्र पर हमेशा आगे बढ़ते रहना। देखिए हम सेकंड सहनशीलता उसमें वीर पुरुष हर संकट का सामना करने को तत्पर रहते हैं और अचानक जो भी संकट आ पड़ता है उसे हंसते हंसते सहते हैं, संकट का सामना करते हैं, समय उनके मुंह से उस तक नहीं निकलती। वे विपत्तियों का नाश करने के लिए खुद आगे बढ़कर विपत्ति पर छा जाते हैं। विपत्ति पर छा जाने का मतलब उसका डट करके मुकाबला करना। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है कि विपत्तियां तो जीवन का एक हिस्सा है जो आती रहे, लेकिन हमें उनसे नहीं घबराना है। नेक्स्ट लिखे हैं तीसरा पॉइंट, प्रखर गुणों की खान। इसमें लिखे सूर्वी मनुष्य एक से बढ़कर एक गुणों को अपने भीतर छिपाए रहते हैं। जैसे मेहंदी में लालिमा और वर्तिका के बीच में उजियाली, उजियाली का प्रकाश छिपा होता है, लेकिन जब तक सार्थक प्रयास नहीं किया जाता तब तक मनुष्य को उपेक्षित फल की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर जो उदाहरण दिए मैंने आपको बताया था, जैसे मेहंदी है उसके अंदर लालिमा छिपी हुई और वर्तिका के बीच में उजियाली है, जब हम सार्थक प्रयास करेंगे तो उस मेहंदी की लालिमा हमें स्पष्ट दिखलाई भी देगी और उस वर्तिका का प्रकाश भी हमें स्पष्ट रूप से दिखलाई देगा। लेकिन हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सार्थक प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए अच्छे प्रयास करने पड़ेंगे। हमारा जीवन भी यही रहता है, हम अपने जीवन में अनेक परीक्षाओं का सामना करते हैं, अगर हम सही ढंग से योजना बना करके सार्थक प्रयास करते हैं तो हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहते हैं और कोई समस्याएं हमारे सामने नहीं आती। अगर सार्थक प्रयास नहीं है तो हम सफलता की कामना या सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट लिखे परिश्रम। वीर पुरुष अद्भुत परिश्रमी होते हैं, वे एक पल भी व्यर्थ समय नहीं हो। वीर पुरुष के मार्ग में कोई भी विघ्न एक पल के लिए भी नहीं ठहर पाता। परिश्रमी व्यक्ति है आपको पता है वो कभी भी बैठता नहीं है, कभी भी ठहरता नहीं है, ठहरने का मतलब नहीं, वो हमेशा अपने कार्य में गतिशील व्यक्ति की तरह कार्य करता रहता है, कर्म क्षेत्र में जूझता है, कोई ना कोई कार्य करता रहता है, अपने समय का बहुत ध्यान रखता है, समय को केवल व्यर्थ नहीं गवाता है, समय का सदुपयोग करता है। हमारे जीवन में भी ऐसे अगर हम समय को खो दें बहुत कुछ हो, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सच्चे सूर
भी है समय का भी ध्यान रखते हैं, उनको व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, बल्कि उसकी उसके महत्व को जानते हैं। आगे लिखिए इसमें, सच है जब मनुष्य खम होकर आगे बढ़ता है तब पर्वत के निर्माण उखड़ जाते हैं, उसकी शक्ति के सामने पत्थर भी पानी बन जाता है। जो मेहनती व्यक्ति है, जो परिश्रमी है, उसके सामने कैसे ही परिस्थिति आ जाए वो उसका हल निकाल लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसके सामने डटकर के मुकाबला करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, रुकता नहीं है, झुकता नहीं है, हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। आगे लिखिए इसमें, कष्टों को सहते सहते ही वीर के प्रखर गुण उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसे गन्ने को पीसे जाने पर उससे रस की धारा झरने लगती, मेहंदी प्रहार सहने पर स्त्रियों का श्रृंगार बनकर जब फूल सुई की चुभन सह लेते हैं तभी सब उनको गले लगते। माला जब रोई जाती है फूलों में, पहले एक एक फूल क्या करता है, उस सुई की चुभन को सहते हैं, ये भी हमें प्रेरणा मिलता है, तभी वो माला बन पाती है। नेक्स्ट लिखे, सतपथ की ओर अग्रसर, इसमें लिखे सच्चे सूरवीर विघ्न बाधाओं में तत्कर और भी निखर जाते हैं और वे सतपथ की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं। कवि के अनुसार वन और उपवन एक नहीं है, इसी प्रकार रण और आराम भी एक नहीं है। जो सूरवीर अखंड आतप अंधर और वर्षा को सहन करते हैं उनमें विचलित नहीं होते, वे ही सही अर्थों में पुरुष कहलाने के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप, भयकारी तेजस्विता, भयकारी तेजस्विता, इसमें लिखें सच्चे सूरवीरों में भयकारी तेजस्विता होती है, लाक्षाग्रह की आग में कोई हानि नहीं पहुंचा पाती, जिनके सोने के लिए धरती माता पर बिछी हुई करिया ही सुंदर सेज है, जो खुले आकाश के नीचे सोते हैं, जिनका जीवन सदा आपदाओं में पला है, जिन्होंने आंधियों के तीखे प्रहारों को सहा है, ऐसे ही व्यक्ति जो अपने तन को पत्थर बनाकर विपत्तियों पर टूट पड़ते हैं, विपत्तियां भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाते। देखो भयकारी तेजस्विता का मतलब होता है कि एकदम दृढ़। पांडवों ने जब 5 साल का वनवास काटा तो उनके सामने क्या था, कुछ भी नहीं था, केवल खुला आकाश था, बिछी हुई धरती थी, इसमें जिनकी राह में बहुत सारे कांटे थे। उन वनवास के दौरान उन्होंने खुले आकाश के नीचे जो महलों में रहते थे, जिनका जीवन एक
आनंद पूर्वक कट रहा था, सुख साधन सब थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जो खुले आकाश में भी सो रहे थे और कांटों की राह पर चल रहे थे, धरती माता पर बिछी हुई करिया ही उनकी सेज थी, आंधियों की जिन्होंने तीखे प्रहार सहे और जिनके तन जो पत्थर के समान हो गए, उन विषुवतों का उन्होंने सामना किया। ऐसे व्यक्ति जो वास्तव में कवि की नजरों में सच्चे देख ले तो किसान है, किसान भी देखिए आप कितनी मेहनत करता है, उसके लिए चाहे कैसी परिस्थिति हो, तेज आंधी है, तूफान है, गर्मी है, सर्दी है, हर परिस्थितियों में अपने कर्म क्षेत्र की ओर आगे बढ़ता है, खुले आकाश पर सोता है, पीछे भी धरती पर सोता है, चाहे उसमें कितने ही कर कर, लेकिन उसमें भी उसको आनंद आता है, सहज रूप से सुनता है, सहज रूप से हर चीज को स्वीकार करता है, प्रकृति के हर प्रहार को सहार कर सहन करता है और सहन करते करते इतना अपने आप को मजबूत कर लेता है कि वो परिस्थितियां उसके सामने कुछ भी नहीं होती है। और एक समय ऐसा आता है जब उसके खेत लहराने लगते हैं, जब उसके खेत लहराने लगते हैं तो सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज को सहा है, महसूस किया है, घबराया नहीं, अपने पद पर अकुशल रहा है, परिश्रमी रहा है, कर्म के क्षेत्र की ओर हमेशा आगे बढ़ा है, रुका नहीं, झुका नहीं, हमेशा आगे बढ़ा। तो कभी यहां पर यही कहना चलता जो व्यक्ति अनवर रूप से आगे अपने कर्म क्षेत्र की ओर बढ़ता है हमेशा सफल होता है, उसके लिए समय भी जो है उसके आगे झुकता है। नेक्स्ट लिखे लास्ट में उपसंहार में निष्कर्ष में, सच्चे सूरमा संकलित काव्यांश में वीर पुरुषों के लिए कहा है कि वीर विपत्तियों का साहस से सामना करते हैं, सहनशील परिश्रमी और उद्योगी होते हैं, उनमें एक से एक प्रखर गुण होते हैं, वे सतत की ओर अग्रसर होते हैं और उनमें भयकारी तेजस्विता होती है, जिसके कारण विघ्न बाधाएं भी उनके सामने आने में भय खाते हैं। लिख लिया होगा आपने, ये हो गया अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आया या कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझे वापस तुरंत कमेंट्स बॉक्स में बताएं, सर ये चीज समझ में नहीं आई। हालांकि हमने पूर्व में ये जो पाठ है पढ़ा हुआ है, आप उसको वापस दोबारा देखोगे अपनी नोटबुक में, जो आपके पास किताब है जो मैंने आपको नोट्स उपलब्ध करवाए, उसके बाद इस वीडियो को देखोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ शंका है तो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं, तो आपकी उन शंकाओं को उन बाधाओं को दूर किया जाएगा। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और जाने से पहले यही बात कहूँगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, आने वाले